الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله या लिका वा लिका वा लिका वा लिका। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानब जिसमें हम सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में एक बहुत ही प्यारी नाज़ शरीफ वो भी हमारे नातखवा प्यारे से बच्चे से आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सेगमेंट की जानीब हुजूर मेरी तो सारी बहा Happy Valley, Valley, Sunhe सारी बहार आप से है प्यारे बच्चों और किस चैनल के नाजरीन आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और सेगमेंट की जानी बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और सेगमेंट में क्या करते हैं इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा और प्यारे बच्चों उस सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदिअल्लाहु अनहु की जिंदगी के बारे में कुछ बातें सुनेंगे यानी उनका नाम क्या था और वह कैसे थे उनका मकाम क्या था तो सबसे पहले तो उनका नाम तो प्यारे बच्चों आपके दादा जान का नाम क्या है हज़रत अब्दुलब रदी हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये नाम तो मरूफ़ है मशहूर है ठीक है फेमस है लेकिन आपका जो रियल नेम था ना वो कुछ और था आपके असल नाम के बारे में दो बातें हैं यानी दो तरह के कॉल मिलते हैं एक कॉल तो ये है यानी एक बात तो ये है बाज़ लोगों ने यह बात कही है अहमद भाई कि आपके दादा जान का नाम आमिर था जो क्या नाम था आमिर। यानी बाज लोगों ने यह बात कही है और बाज किताबों के अंदर आपका नाम आमिर लिखा हुआ है लेकिन जो ज़्यादा सही बात है या ज़्यादा ने जो बात कही है वो ये फरमाई है कि उनका रियल नेम शैबा था बच्चों क्या नाम था प्यारे बच्चों शैबा बुढ़ापे को कहते हैं तो हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादा जानते ना इनके बालों में सफेदी थी तो प्यारे बच्चों आपके जो दादा थे उनके बालों में क्या थी सफेदी थी इसी वजह से उनका नाम क्या रख दिया गया शैबा रख दिया गया अच्छा बाद लोगों ने यह भी कहा है कि हमारे प्यारे आका अलैहि वसल्लम के जो दादा जान थे उनको शैबुल हमद कहा जाता था क्योंकि आप बड़े फेमस थे बहुत नेक थे बहुत अच्छे आदमी थे तो आपकी लोग तारीफ़ें करते थे तो इसीलिए आपका नाम क्या मशहूर हो गया शैबुल्हमद हमारे प्यारे अलैहि वसल्लम की जब अम्मी जान का विसाल हो गया उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद हमारे प्यारे आकाश वसल्लम के दादा जान ने हमारे प्यारे आकाश वसल्लम की बहुत लंबे टाइम तक आपकी परवरिश की और एक ख़ास बात बच्चों ये भी है कि हमारे प्यारे अलैहि वसल्लम के दादा जान हमारे प्यारे वसल्लम के वसीले से आपके तवसुस से आपके वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ किया करते थे जी हाँ प्यारे बच्चों क्रिस मदनी यानी इतनी मोहब्बत थी हमारे प्यारे आका वसल्लम के दादा जान को आपसे अल्लाह पाक हमें उनकी खूब फरमाए आज हमने क्या सुना बच्चों इस में क्या सुना हमने के, आपका, के दादा 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 दादा। दादा। आपका नाम क्या है मशहूर क्या है फेमस क्या है अब्दुल मुत्तलिब लेकिन रियल नेम क्या है आपका कॉल के मुताबिक क्या कॉल के क्या है और उनके सद के हमारी बेहिसत हो आमीन बिजाही खातमिन नबीन सल अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों और क्रिस मदीन चना के नाजरीन आइए बढ़ते हैं अपने एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानब जिसका नाम है हल सिर्फ एक है الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. عليك يا

अगर हम अपने आप से पूछें कि अच्छा बच्चा कैसा होता है तो शायद जहन में मुख्तल आंसर आ जाएं कि एक अच्छा बच्चा ऐसा होता है इसके अंदर ये ये आदतें ये ये बातें होनी चाहिए प्यारे बच्चों अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु आकल्ला वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहनुमा बनाकर भेजा है आप सल वसल्लम ने हमारी मुख्तलिफ अंदाज से एक अच्छा इंसान एक अच्छा मुसलमान बनने की तरबियत फरमाई है आइए मैं आज आपको इसी हवाले से एक बहुत प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ एक जन्नती साहबी हजरत उमर बिन अबी सलमा अन फरमाते हैं मैं बचपन में हजूर अगर वसल्लम की परवरिश में था। था। खाना खाते वक्त मेरा हाथ प्याले में घूमता था यानी मैं हर तरफ से कहता था रसूल रसूल-अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलम ने मुझसे इरशाद फरमाया लड़के बिस्मिल्लाह पढ़ो। सीधे हाथ से अपने सामने से खाओ इसके बाद मैंने इसी तरह यानी आप सल्लल्लाहु वाली वसल्लम के इस कहने के मुताबिक खाता हूँ तो प्यारे बच्चों एक अच्छा बच्चा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पाता है सीधे हाथ से खाता है और खाना अपनी तरफ से खाता है तो प्यारे बच्चों हमें भी इन अच्छी अच्छी बातों पर अमल करते हुए अच्छा बच्चा बनना है और हाँ बच्चों एक अहम बात कि अगर थाल प्लेटर में अलग अलग तरह की चीजें हो तो आप इधर उधर से खा सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं अल्लाह पाक हमें भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए आमीन बिजाहीन नबील आमीन सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम माशा अल्लाह सुभान अल्लाह प्यारे बच्चों देखा आपने हमारे जहान भाई ने हमें कितना प्यारा बयान सुनाया यानी एक अच्छा बच्चा उसमें क्या क्या आदतें होनी चाहिए अब सारे तो बयान नहीं कर सकते लेकिन एक प्यारी हदीस पाक हमें सुनाई कि एक अच्छे बच्चे के अंदर ये बातें भी होनी चाहिए अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने के तोफ़ी अदा फरमाए आइए बढ़ते हैं अपने एक और सेगमेंट की जानब जिसमें हम सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सी सुन्नत और उस सेगमेंट का नाम है सुन्नत की किरने की जिंदगी इस सेगमेंट के अंदर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक सुन्नत के बारे में आपको सिखाते हैं और आज की जो सुन्नत है वो है बालों में तेल लगाना बालों में कंगी करना यानी अपने बालों को दुरुस्त रखना बाल बच्चे होते ना वो अपने बालों में तेल नहीं लगाते भागते हैं यानी अम्मी उनको पकड़ती हैं और सुबह से तेल लगा रही होती हैं मगर उनको तेल लगाने का शौक़ नहीं, नहीं होता।, होता अच्छा बाल बच्चे वो अपने बाल भी नहीं भाते वो बस बालों को मतलब अजीब व गरीब बालों को रखते हैं तो प्यारे बच्चों वो क्रिस मदनी चैनल के नाजरीन इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में यानी सर के बालों में भी तेल लगाते थे और अपनी दाढ़ी शरीफ में भी तेल।, तेल लगाते थे और आप कंगी भी किया करते थे और अपने बालों में तेल लगा कर कंगी करके आईने को भी नवाजते थे यानी आईने को भी देखा करते थे तो प्यारे बच्चों हमें तेल भी लगाना चाहिए और अपने बालों को भी दुरुस्त रखना चाहिए अच्छा चाह, आज हम सीखेंगे कि तेल लगाना कैसे चाहिए यानी तेल लगाने के सुन्नत तरीका है क्या यानी अगर तेल अगर हमने हाथ में लिया और सर में लगा लिया तो तेल लग तो जाएगा लेकिन अगर हम इस तेल को उस तरीके पर लगाएं, जिस तरीके पर हमारे प्यारे आकाश वसल्लम लगाया करते थे तो हमें एक और सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा तो प्यारे बच्चों आइए मैं आज आपको सिखाता हूँ कि तेल लगाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है अच्छा आप में से कोई एक आ जाए जो मैं कहूँगा वो ना एक्टिंग करेगा यानी प्रैक्टिकली तौर पर यानी एक्टिंग करने की कोशिश करेगा चलो अब आ जाओ अच्छा यारे बच्चों किस मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ हैं सुफियान भाई अच्छा बच्चों आप भी जो यहाँ बैठे हुए हैं इन मैं आपको तरीका बताऊँगा और सुफियान भाई उसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे इनके पास तेल तो नहीं है अभी लेकिन ये किस अंदाज़ में लगाना है उसका प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह आपको बताएंगे अच्छा देखें पहले हमें क्या करना है तेल की बोतल लेकर उसका जो तेल है थोड़ा सा तेल सुफियान भाई आप करके दिखाएंगे थोड़ा सा तेल को अपने उल्टे हाथ की हथेली में डालना है पर इस हाँ इसे डाल दिया थोड़ा सा डालना है ठीक है अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली से थोड़ा सा तेल लेकर अपने आईब्रो यानी आपकी इस चेहरे की जो दाएं तरफ की यानी राइट तरफ की जो आईब्रो है उस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर दोबारा आप जो लेफ़्ट साइड की आपकी आईब्रो है फिर उस पर तेल लगाएंगे आप माशाल्लाह सुफियान भाई आपको करके भी दिखा रहे हैं उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारी आइज़ है हमारी आंखें हैं तो आपकी जो सीधी आँख है देखें इसके ऊपर पलकें होती हैं अच्छा देखें इसको क्या बोलते हैं आईब्रो इसको उर्दू में कहते हैं भवें ठीक है और इसको क्या कहते हैं पलके कहते हैं उर्दू के अंदर ठीक है तो अब आपको बिस्मिल्लाह शरीफ तो आपने पढ़ ली है तो अब दोबारा आपको तेल लगाना है अपनी सीधी आँख की पलकों पर जी सफियान भाई कैसे लगाएंगे अच्छा इसमें एक बड़ी ख़ास एहतियात करनी है जी हाँ प्यारे बच्चों और किस मदी चैनक के नाजरीन जब आप अपनी आँखों की पलकों पर तेल लगाएं, तो देखें अपनी आँखों में तेल नहीं लगाना है वरना कोई नुकसान पहुंच सकता है तेल अगर आँखों में डल जाएगा तो क्या होगा नुकसान होगा आपको अपनी आँखों की पलकों पर लगाने तेल लिया आपने और हल्का सा यूं टच कर दिया ये जी ठीक है अगर आपने तेल लिया और यूं मसल दिया तो तेल कहाँ चला जाएगा अल्लाह ना करे आपकी आँखों में गया तो आपको नुकसान हो सकता है तो सफियान भाई कहाँ लगाएंगे पहले पहले चश्मा उतारे चश्मा उतार लिया आप यहाँ रख दें चश्मा। वेरी गुड जी अब बताएं सीधी आँख की पलकों पर लगा लिया अब प्यारे बच्चों उसके बाद फिर लगाएंगे उल्टी आँख की पलकों पर जी करके दिखाएं कैमरे में हाँ आराम से ये कर लेना है अब उसके बाद क्या करना है आपको उसके बाद तेल थोड़ा सा और डालें और फिर अपने सर पर तेल मसल लें तेल लगा लें तो ये आपका तेल भी लग गया और सुन्नत पर अमल भी हो दे गया, गया। माशा सुफियान भाई तो प्यारे बच्चे और नाजरीन तेल लगाना भी है और सुन्नत के मुताबिक लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको और मजीद सवाब मिलेगा हमारे प्यारे वसल्लम अपने बालों में जो मांग निकाला करते थे वो बीज की मांग निकाला करते थे तो साइड की मांग निकालना सुन्नत नहीं, नहीं है अगर हम अपने बालों में बीज की मांग निकालेंगे तो इन हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा तो प्यारे बच्चों किस मदनी चैनल के नाजरीन आज हमने सेगमेंट के अंदर तेल लगाने की सुन्नत भी सीखी है और साथ में बाल बाने का तरीका भी हमने सुना है अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने के तोफी कता फरमाए आइए प्यारे बच्चों और किस मदनी चना के नाजरीन अपने आखिरी सेगमेंट की जानी पढ़ते हैं बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और सेगमेंट में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा और प्यारे बच्चों इस सेगमेंट का नाम है एक जुमला की जिंदगी प्यारे बच्चों और किस मदनी चना के नाजरीन एक जुमला एक जवाब इस सेगमेंट के अंदर हमारे साथ होते हैं यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे हम इनमें से बाद बच्चों को बुलाते हैं और वो सामने हमारे ये बोर्ड लगा हुआ है बच्चों आप भी देखेंगे देखिए इन बोर्ड पर आ, कुछ अल्फाज हैं जो अलग अलग हैं अल्फाज बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज हैं आप वसल्लम मक्का महबूब हज़रत कासिम रदी अल्ला लेकिन ये अल्फाज अभी जुदा जुदा हैं अलग अलग हैं आपको मैं यहाँ बुलाऊँगा और प्यारे बच्चों हो किट मदे चना के नाजरीन आप भी ये फॉर्मेट समझ लें हो सकता है कि आप भी इन अल्फाजों को देख कर जुमले बना सकें आप भी घर पर बैठ कर इन हम आपको स्क्रीन पर यह बोर्ड दिखाएंगे भी तो आप भी गौर कीजिएगा कि इन अल्फाज़ों से क्या क्या जुमले बन सकते हैं और हमारे साथ जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर आएंगे वो अपने टाइम के अंदर इन अल्फाजों से वो जुमला कोई एक भी जुमला जो यहाँ पर बन सके दुरुस्त जुमला हो वो अपने टाइम के अंदर बना सकते हैं या नहीं तो शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट हम दो टीमें बना लेते हैं ये मक्की टीम है और ये मदीनी टीम है यानी अगर आप में से जो आया और जुमला दुरुस्त बनाया तो पूरी टीम के नंबर हो जाएंगे और आप में से जो आया और जुमला दुरुस्त बनाया तो पूरी टीम के नंबर हो जाएंगे और अगर जुमला दुरुस्त नहीं बना पाए तो आपका नंबर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और पहले चले आप आ जाए जी अच्छा आपको तरीका मालूम है कि अल्फाज शुरू करने हैं जोड़ना यहाँ से और ये जो दो आ, आपको रेड लाइन नज़र आ रही होंगी आपको जुमला इनके दरमियान में जोड़ना है ठीक है प्यारे बच्चे तो इबाद भाई समझ दिया आपने कि आपको जुमला जो, जो जोड़ना है वो अल्फाज जोड़ने हैं वो आपको दोनों रेड लाइन के दरमियान जोड़ने हैं जी चले आ जाए तो प्यारे बच्चे और किड्स मदी चेनाई के नाजरीन देखते हैं कि इबाद भाई जुमला क्या बनाते हैं और बना भी पाते हैं या नहीं पाते मक्की टीम के से आए हैं इबाद भाई तो मक्की टीम वाले देखते हैं कि ये नंबर पाते हैं या नहीं पाते आइए बच्चों काउंट डाउन शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन जी टाइम पूरा हो गया है चलें देखते हैं कि इबाद भाई ने जुमला बना लिया है या नहीं इबाद भाई आप मुझे माइक पे पहले पढ़ के सुनाएं कि आपने क्या बनाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के महबूब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के महबूब हैं जुमला दुरुस्त है, दुरु है। तो मक्की टीम का एक नंबर हो गया है आइए तशरीफ रखिए अब आएंगे इन मदनी टीम से और देखते हैं कि वो जुमला मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं चले आप आ जाए अहमद भाई अहमद भाई छोटे हैं तो छोटों को पहले मौका देना चाहिए तो देखते हैं कि अहमद भाई जुमला दुरुस्त कर पाते हैं या नहीं अहमद भाई आपको जुमला बनाना है यहाँ से ठीक तो है आपका हाथ चला जाएगा चला जाएगा भाई चलो प्यारे बच्चों किस मदनी चना के नाजरीन अहमद भाई मदनी टीम से आए हैं ओ देखते हैं कि अहमद भाई जुमला दुरुस्त करके अपनी टीम को नंबर दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं आइए बच्चों मिलकर काउंट डाउन शुरू करते हैं ना, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव। जी अहमद भाई का जुमला मुकम्मल हो चुका है शायद जी अहमद भाई पढ़ के बताएं कि आपने क्या जुमला बनाया है देखें अगर आपने जुमला दुरुस्त नहीं बनाया तो आपकी टीम को नंबर नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे और मक्की टीम वाले आगे हो जाएंगे जी चलिए पढ़ के बताएं कि आपने क्या बनाया आप है।, है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की शफात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की शफात है जुमला तो दुरुस्त नहीं है जुमला दुरुस्त नहीं है अहमद भाई से गलती हो गई है तो मक्की टीम वालों को एक नंबर मिल चुका था मदनी टीम वालों को नंबर नहीं मिला कोई बात नहीं तो प्यारे बच्चों और किस मदनी के नाजरीन क़्यामत के दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की अल्लाह पाक की बारगाह में शफात करेंगे सिफारिश करेंगे और उनको जन्नत में दाखिल करवाएंगे अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक वसल्लम की शफात अता फरमाए और उनके साथ जन्नत में दाखिल अता फरमाए आमीन प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं अपनी मक्की टीम की जानब और अब बुलाते हैं यहाँ से चले आप आ जाए अब्दुलसुबहान भाई और देखते हैं कि अब्दुलसुबहान भाई जुमला दुरुस्त करके मक्की टीम को नंबर दिला पाते हैं या नहीं जी आ जाइए आपका टाइम शुरू होता है अब तो आइए बच्चों काउंट डाउन शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन और टेन सुबहान भाई अपने टाइम में जुमला मुकम्मल नहीं कर पाए लगता है कि जो जुमला जहन में था वो लफ्ज मिला ही नहीं और जुमला फिर मुकम्मल नहीं हुआ यूं हमारी मक्की टीम का भी एक नंबर कम हो गया आइए तशरीफ रखिए अब मदनी टीम से अगर जो आएगा और जुमला दुरुस्त कर लिया तो दोनों के नंबर एक एक क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे चले अनवार भाई आप आ जाइए जी हाँ प्यारे बच्चे देखते हैं कि मदनी टीम से अनवार भाई अपने टाइम के अंदर जुमला मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं अपनी टीम को बराबर करवा पाते हैं या नहीं आइए बच्चों काउंट डाउन शुरू करते हैं टेन नाइन ना, ना, एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू और ये जुमला लगता है कि मुकम्मल कर लिया है अनवार भाई ने जी अनवार भाई माइक के पढ़ के बताएं कि आपने क्या जुमला बनाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मत से हजरत कासिम رضی اللہ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मत से हजरत कासिम رضی اللہ عنہ थे hmm. अनवार भाई से भी गलती हो गई है और जुमला दुरुस्त नहीं, नहीं बना पाए चले कोई बात नहीं जुमला हम दुरुस्त कर देते हैं एक लफ्ज चेंज होता बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अनवार भाई अगर आप ये लिख देते के एक शहजादे हजरत कासिम रदी अल्लाह अनहो थे तो आपका जुमला दुरुस्त हो जाता लेकिन आपसे जुमला दुरुस्त नहीं बन पाया कोई बात नहीं तशरी रखिए तो प्यारे बच्चों और किस मदनी चैनल के नाजरीन माशा हमारी मक्की टीम ने यूं मुकाबला जीत लिया है प्यारे बच्चों और किस मदनी चैनल के नाजरीन हमारा मेन मकसद यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी के बारे में प्यारी प्यारी बातें सीखना थी तो बच्चों आज हमने इन जुमलों के जरिए भी बहुत भी अच्छी बातें सीखी हैं अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तोहफ़ी अता फ़रमाए और प्यारे बच्चों इन अगले प्रोग्राम के अंदर हम फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी के बारे में प्यारी प्यारी बातें आपसे शेयर करेंगे और होंगी कुछ नई बातें इनशा अल्लाह पाक हमें नबी पाक अलैहि वसल्लम की खूब बरकत अतः फरमाएँ, आपकी सीरत को पढ़ने की तोफ़ी तय फ़रमाए और उन पर अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीन बिजाही नबीमीन सल्लास हबीब सल्ला तला महमद वही वबारक व्यार Life of Muhammad, mm. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mare mm. pyane ki zindagi. Bacho ka madani channel a gaya. Bacho ka a gaya a gaya.